महाराजगंज क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के उपरांत चाय पर चर्चा। महाराजगंज फरिंदा में लोकसभा चुनाव को लेकर चाय पर चर्चा हुई, जिसमें फरिंदा की जनता ने अपने मतों को लेकर बातचीत करते हुए कहा, जो विकास करेंगे उन्हें ही वोट करेंगे हम सब। समाजवादी पार्टी के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष विनोद गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता रजनीश पांडे ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा, जिसमें सम्मिलित रहे पूर्व अध्यक्ष आनंद नगर विनोद गुप्ता, महाराजगंज के युवा नेता रजनीश पांडे मुख्य रूप से उपस्थित रहे। एपी मिश्रा लाइव न्यूज टीवी चैनल से आज मैं चाय के दुकान पर चर्चा करते हुए लोकसभा चुनाव के विषय में। आइए मिलते हैं महाराजगंज से रजनीश पांडे जी से, जो युवा नेता हमारे हैं, जिनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में लगातार पंकज चौधरी जी के पक्ष में 7 बार जो सांसद हो चुके हैं, 6 बार, और आपकी 7वां बार का जो पारी लोकसभा चुनाव चल रही है, क्या विकास कार्य किए हैं? और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी कल जयपुरिया इंटर कॉलेज में प्रांगण में आए, क्या लोगों को सौगात दिए हैं? इसके विषय में मैं रजनीश पांडे जी को कुछ पूछना चाहता हूँ। रजनीश पांडे, भारतीय जनता युवा मोर्चा महाराजगंज का जिले का मंत्री हूँ। आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आपको धन्यवाद करता हूँ कि आप जो है अपना बहुमूल्य समय निकाल कर मुझसे मिलने आए, मुझसे चाय पे चर्चा कर रहे हैं, इसके लिए आपका हार्दिक आभार। जी सर, ये भारतीय जनता पार्टी जो आज लोकसभा चुनाव प्रेजेंट टाइम पे चल रही है, जो इस चुनाव के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? लोग कहना है कि अबकी बार 400 पार, इसका मतलब क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है अबकी बार 400 पार, और आप स्वयं कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं, तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं, ये जनता की, भारत के जन जन की आवाज है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अबकी बार 400 पार के साथ सरकार बनाने जा रही है, जिसमें विपक्ष कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता है, और हम विकास के मुद्दे पर, जन कल्याण के मुद्दे पर, गरीब शोषित वंचित पिछड़ा के कल्याण के मुद्दे पर अपनी योजनाओं के माध्यम से जन जन तक पहुंच बनाए हुए हैं, और अब की बार निश्चित रूप से जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, महाराजगंज में पंकज चौधरी के साथ साथ है, और भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 कमल खिलाने जा रहे हैं, 400 सीटों पर हम कमल खिलाने जा रहे हैं, प्रचंड बहुमत के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं। ये पंकज चौधरी जी 6 बार सांसद रह चुके हैं, ये इनका क्या विकास कार्य है, इसके विषय में मुझे बताएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मूल मंत्र रहा है सबका साथ सबका विकास। हमने सबके साथ सबका विकास करने का काम किया है। देखिए, आप महाराजगंज में आज 1995 में जब जनपद बना था, तब से महाराजगंज में प्रधान डाकघर की मांग चल रही थी, हमने प्रधान डाकघर ला के दिया, हमने एयरपोर्ट की स्वीकृति करा ली, हमने महाराजगंज में केंद्रीय विद्यालय दे दिया, महाराजगंज के चारों दिशाओं में आप देखिए चमचमाती हुई सड़कें आपको दिख जाएंगी, डिजिटल इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, या स्किल इंडिया हो, गरीबों के कल्याण के लिए तमाम ऐसी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, जो पंकज चौधरी भारत सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए योजनाओं को दोगुनी गति के माध्यम से महाराजगंज में लाने का काम किए हैं। इस नाते मैं पूरी आशा और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अब की बार 7वीं बार महाराजगंज के सांसद पंकज चौधरी जी रिकॉर्ड मतों के साथ होने जा रहे हैं। अच्छा, लोगों का कहना यहाँ है कि लोग भारतीय जनता पार्टी वाले जो है राम नाम के नाम से भारतीय जनता पार्टी का वोट मांगा जा रहा है, इसके विषय आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, राम हमारे आस्था के केंद्र है, भारत की आस्था के केंद्र राम है, राम का नाम लेना कहीं से गुनाह नहीं है। अरे, राम के लिए तो वो सोचे जो राम से अब तक दूरी बनाए हुए थे, अब तक राम का नाम लेने में उनको हिचकिचाहट हो रही थी, हम तो शुरू से राम का नाम लेते हैं, हम सनातन प्रेमी, हमको राम का नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं, हम तो राम का नाम सदैव लेते रहे हैं, लेते रहेंगे, राम हमारी आस्था के केंद्र, राम हमारे लिए पूजनीय है, तो राम का नाम हम लेंगे। राम का नाम वो डरे जो यम वाई समीकरण पे बात करते हैं, वो यम वाई समीकरण पे वो भी बात करते हैं, हम भी यम वाई समीकरण पे बात करते हैं, लेकिन उनका यम वाई समीकरण मुस्लिम और यादव का करता है, हमारा तो यम वाई समीकरण मोदी और योगी का समीकरण है। इसके सारे अब की बार हम पूरी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं।
लेकिन यहाँ पे गठबंधन पार्टी तो बता रही है कि यहाँ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का अपनी बात सफाया हो चुका है। देखिए वो अपनी बात बता रहे हैं कि उनका सफाया देश में, पूरे देश में ही नहीं संपूर्ण उत्तर प्रदेश में भी उनका कहीं से खाता खुलने वाला नहीं है। वो अब की बार उनकी जमानतें जब्त हो रही हैं। आप चाहे कन्नौज की बात कर लीजिए, चाहे मैनपुरी में डिंपल जी प्रत्याशी हैं उनकी बात कर लीजिए, अब की बार उनकी भी जमानतें जब्त होने जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री का कहना कि मुझे गुंडा भूमाफियों का वोट नहीं चाहिए, इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए ऐसा आपकी जानकारी नहीं होगा, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन गुंडा माफियाओं की जगह जेल में है, उनको हमारी सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए जेल में भेजने का काम किया है, वो जेल में रहेंगे। जी सर, ये लोकसभा चुनाव जो महाराजगंज में आपके चल रहा है, इस जनसभा में जो कल मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी जयपुरिया इंटर कॉलेज के प्रांगण में आए, लोगों को चुनाव के बारे में पंकज चौधरी जी के पक्ष में बात हुआ, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, उनकी राय क्या थी, किस विषय में हमको बताएं? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए योगी जी आए, योगी जी के पास कोई एजेंडा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कोई एजेंडा रही नहीं है, उनके पास केवल एक ही एजेंडा रहना है, हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान बांग्लादेश यही मुद्दा रह गया है। वो कहते हैं कि देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, 2.5 लाख हमारी योजना है आवास की, निश्चित रूप से जो इंडिया गठबंधन की इस बार की योजना है 10 किलो राशन फ्री, 1 लाख रुपये महिलाओं को हर साल 8500 रुपये खाता खत्म हो जाते हैं, 1 लाख रुपये जो शिक्षित बेरोजगार है गठबंधन की सरकार उनको देने जा रही है, सहारा इंडिया का पैसा का भुगतान उस सेवी में सरकार के पास पैसा जमा है। भारतीय जनता पार्टी ने भारत देश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा करने का काम किया, सहारा इंडिया का पैसा देने के लिए खाता खुलवाया और 1 रुपया पैसा नहीं दिया। देश के बड़े उद्योगपति जो 20-25 उद्योगपति हैं, सहारा का सारा पैसा अडानी अंबानी को देके 16,000 करोड़ रुपया जनता के, देश के व्यापारियों को, किसानों का पैसा 20-25 बड़े आदमियों में देके इस देश को बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी है। ये आपके जो यहाँ जो सांसद जी रहे पंकज चौधरी जी, 6-7 बार लगातार रह चुके यहाँ, विकास कार्य क्या किए उन्होंने, इसके विकास कार्यों के विषय में मुझे बताएं। निश्चित रूप से पंकज चौधरी जी मोदी जी की लहर में जीत जाते, और पंकज चौधरी जी हर बार वादा करते थे इस बार ये मिल चलवा देंगे, फरेला से घुगली को बड़ी लाइन बनवा देंगे, आज तक किसी बड़ी कार्ययोजना को उन्होंने आज तक इस पूरे महाराजगंज जिले में लागू करने का काम ही नहीं किया। महाराजगंज हमको लगता है कि 80 जिले में सबसे पिछड़ा जिला महाराजगंज को माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी की जो घोषणाएँ होती थी केवल हिंदुत्व के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, क्या दूसरी सरकार आएगी तो मुसलमान को खदेड़ देगी कि हिंदू को मार के खदेड़ देगी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी लड़ाने का काम करती है, देश को लूटने का काम किया, व्यापारियों को बर्बाद करने का काम किया, और इस बार इस देश की जनता इंडिया गठबंधन की तरफ देख रही है, सबकी निगाहें इंडिया गठबंधन की तरफ, और निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और महाराजगंज में सबसे बड़ी जीत इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी जी को, सारे धर्म जाति के लोग आंख बंद करके वोट करने जा रहे हैं। ये बीजेपी का कहना कि 400 पार, इसका क्या मतलब, 400 पार का क्या? चार सौ पार करती है बीजेपी जो सोच रही थी कि हिंदुओं को बगला के राम मंदिर के नाम वोट करेंगे, कहीं राम मंदिर का मुद्दा चला वाला नहीं। वो कहते हैं कि हम राम को लाए, भगवान को कोई ला पाएगा? भगवान दुनिया को लाए और भगवान को वो क्या लिया है? भगवान का मंदिर बनना था, कोर्ट ने आदेश किया, जिसकी जो सरकार रहती वही कांग्रेस की सरकार थी तो मंदिर का ताला खुलवाई थी। तो ये कैसे कहते हैं कि भगवान को राम, जिस राम को लाए हैं हम देश में आएंगे? 400 कहीं नहीं, 400 नहीं पार कर रही भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, पूरे देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और जनता इस बार निश्चित रूप से, लोग कहते थे ईवीएम का खेल होगा, अगर जनता 5 किलो राशन का वोट देती थी कांग्रेस की सरकार थी 35 किलो राशन दे रही थी, 2 रुपये किलो 35, 70 रुपये में 35 किलो राशन मिलता था,
और इस बार भी उनके घोषणा पत्र में है कि आप 5 किलो पाते हैं, हम 10 किलो के लिए आपको देंगे। सारी घोषणाएं उनकी, उनका कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं, वैक्सीन के नाम पे देश के लोगों की जान लेने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। वैक्सीन में 523 करोड़ का वैक्सीन के नाम पे चंदा लेने का, दुनिया में सबसे बड़ा स्लाटर हाउस भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास है, जो करोड़ों करोड़ रुपया गौकसी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को चंदा देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ड्रामा करती है, हिंदुत्व का ड्रामा करती है, सेंटिमेंट को वोट लेना चाहती है, जान लेके वोट लेना चाहती है। आज तक पुलवामा हमले का कभी जांच नहीं हुआ, 42 सैनिक हमारे मारे गए। हमारे बगल के भैया फरेंदा के एक हम लोगों के दोस्त थे, वो मारे गए। लाशों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की है और इस बार जनता एक सिरे से झटकाने का काम कर रही है पूरे देश में महागठबंधन की सरकार। आपकी गठबंधन सरकार जी रही, इसके बारे में युवाओं को रोजगार के लिए क्या करें? निश्चित रूप से गठबंधन की सरकार 30 लाख तुरंत सरकार बनने के बाद 30 लाख युवाओं को रोजगार देने जा रही है। जो इनकी ये 4 साल की अग्निवीर योजना है, उस योजना को हटा के परमानेंट करने जा रही है। सारी योजनाओं को लागू करने जा रही है, नौकरी देने जा रही है। ये गठबंधन जो कहते हैं कि 70 साल में इन्होंने कुछ नहीं दिया, सुई से लेके जहाज बनाने तक का काम गठबंधन की सरकार और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने की है आज तक देश में। ये बता दें कि 10 साल में कौन सा ऐसा बड़ा काम कर दिया कि जिसे इन लोगों को दे दिया जाए? GST के नाम पे व्यापारियों को परेशान किया, कोरोना वैक्सीन लगा के दुनिया के लोगों का जान लेने का काम किया, 3 महीने के अंदर वैक्सीन तैयार करा के उस वैक्सीन कंपनी ने 523 करोड़ रुपये का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया। आज भारतीय जनता पार्टी कहीं खड़ी नहीं दिखाई दे रही, केवल 400 पार का नारा अपने मुंह से दे देते हैं। नारा देने से कुछ होगा? हमको तो लगता है 100 सीट भी नहीं पार होने जा रही है। और इस देश की पूरी जनता निश्चित रूप से गठबंधन से भरोसा करके, और उत्तर प्रदेश की जनता आदरणीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ऊपर भरोसा करके, उत्तर प्रदेश की जनता अधिक से अधिक सीटें गठबंधन को देने जा रही है। लोकसभा चुनाव में महाराजगंज में मैं हूँ, आपका क्या राय है कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है? महाराजगंज में जनता की लहर है, जनता बदलाव की रणनीति बना रही है। नेता से ज़्यादा जनता मन बना चुकी है कि वर्तमान सांसद 6 बार के जीते हुए हर मसले पे विफल हैं, और 35 साल से उनका जिला पंचायत पे कब्जा भी है और वर्तमान में राज्य मंत्री है। इतने सारे पद होने के बाद आप भी मार्केट में घूम रहे हैं, जनता भी घूम रही है, किसी भी मामले में, रोजगार के मामले में, किसी भी मामले में आप मार्केट, ना कोई फैक्ट्री लगा, ना कोई इन्वेस्टमेंट आया, गरीब का कल्याण का, सिर्फ ये लोग सिर्फ राष्ट्रीय नेतृत्व पे वोट मांगते हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व पे बात करते हैं। निजी जो गृह जनपद का मसला है, समस्या है, बेरोजगारी का है, पढ़ाई लिखाई दवाई का है, शिक्षा बेरोजगारी सारे चीजों विफल है और जनता पूरी अच्छा ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगली बार 400 पार, इसका मतलब क्या है? वो जो है 400 पार वाला गिनती उनका है, 145 सीट। उनका कहने का मतलब ये है कि 400 पार वाला हम जीतेंगे, 400 वाला नहीं, 400 तो इंडिया गठबंधन जीत रही है, 543 में 400 पारों कह रहे हैं तो 143 बच रहा है, 143। अच्छा एक चीज और बताइए, आपके जो ये गृह जनपद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं, इनका कहना है कि मुझे गुंडों माफिया का वोट नहीं चाहिए, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? इस विषय में मुख्यमंत्री जी खुद समझदार हैं, उनको पता है इनके कार में, इनके संगठन में, इनके मंत्रिमंडल में कितने लोग कितने धाराओं में है वो खुद जानते हैं। आप पत्रकार मीडिया सारी जानती है, कहने से भाइयों यहाँ UP के CM है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनकी बात का कोई कटाक्ष जनता करेगी इस चुनाव में करेगी, वोट से करेगी कि हर सरकारों में कुछ मनबड़क कुछ रहते हैं, आज भी है, कल भी थे, भविष्य में भी रहते हैं, कोई सफाया नहीं है। और वो काय फरिंदा में यहाँ कोई भी डिपेट, कोई भी यहाँ योजना का लाभ नहीं दिए यहाँ की जनता को, न मिल के बारे में, न कोई बैठक के बारे में, न कोई किसी भी मुद्दे में, जमीनी स्तर का कोई बात, इन नेताओं सारे भाजपा के नेताओं ने कभी कुछ नहीं, सिर्फ राष्ट्रीय नेतृत्व, मंदिर मस्जिद
तमाम ऐसे मसले में जो उल्टा सीधा जनता के इमोशनल राजनीति लोग करते हैं कि दिलों को भावुक डाल दे के लोगों को भड़का के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। विकास के नाम पे कोई वोट नहीं है, बेरोजगारी के नाम पे कोई वोट नहीं है। जनता इस बार चुनाव लड़ रही है, जनता इनको चुनाव में अच्छा चौधरी जी इससे पहले भी सांसद रह चुके हैं और क्या विकास कार्य किया है ये महाराजगंज जिले से, ये भी 315 विधानसभा तक फरिंदा आनंद नगर में भी क्या विकास कार्य किया है ये, इनके कार्यकाल में क्या विकास हुआ है, क्या क्या कार्य उनके विषय बताएं मुझे। जहाँ जहाँ पंकज चौधरी जी पूरे जिले में ब्लॉक में जो गांव इनको 70% वोट दिया होगा उस गाँव में आप खुद जाके सर्वे कर ले कि कितना जनता देख रही है, जनता खुद कह रही है कितना विकास हो जान चुकी है। यहाँ डिबेट की कोई जरूरत, जनता चुनाव लड़ रही है, जनता चुनाव हराएगी। आने वाले 1 तारीख को वीरेंद्र चौधरी चुनाव जीतने जा रहे हैं और पंकज चौधरी हारने जा रहे हैं, बड़े अंतर से हारेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।